धन वाहिगुरु जीओ कंधी उतर रुखड़ा किचरक बने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर कंधी उतर रुखड़ा किचरक बने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारियो गुरुस्वारी सत संगत जियो वड्डे भाग हन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार विच सज के सतगुरु दी पावन बाणी दे पाठ अते कीर्तन जो गुरुस्वारियां ने आप जी नूं श्रवण करवाए हन सतगुरां दे उपदेश नाल सांझ बना के आप जी सत संगत दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। गुरु महाराज की बख्शिश दे पात्र बनदिया रोजाना इन्हां दीवाना विच आपां बाबा शेख फरीद साहब जी दे श्लोकां दी लड़ीवार विचार नूं समझण दा इह यतन करदे हां, जिस विच आप जी ने हुणे ही जिस पावन श्लोक का पाठ श्रवण किया है। 96 नंबर श्लोक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक नंबर 1382 उपर सुभायमान है। समुचे श्लोकां दे विच एक सांझी तंद है जिस नूं थां पर थां बाबा शेख फरीद साहब व्याख्या करदिआं होइआं समझाउण दी कृपालता कर रहे हन। मनुख दा अंदर दियां तंगियां तुरशियां तो मुक्त हो के अपने मुलवान जीवन नूं समझना इसका एहसास करना ते परमेशर दे खुदा दे गुणा नाल इकसुर हो के देख अमल कमाउणे इस भाव की व्याख्या जिहड़ी है वक्ख वक्ख श्लोकां दृष्टांतां बिंब प्रतीक उदाहरणां वरत के बाबा शेख फरीद साहब जी ने करन दा यतन कीता है। बड़े खूबसूरत प्रतीक वरते हैं जिन्हां श्लोकां दी आपां विचार अज सांझी करनी है। तकरीबन ही मनुख नूं अपने जीवन की कदरों कीमत प्रति एहसास कराउण वास्ते बड़े सोहणे दृष्टांत वरते हैं। मनुख अपने अमलां नूं किवें उच्चियां करे पवित्र रखे इस गल की खास प्रेरणा बाबा शेख फरीद साहब जी ने इन्हां श्लोकां विच करन दा यतन कीता है। बाबा जी फरमाउंदे हन, दरिया दे कंढे दे उत्ते कई वार पुराने समयां च इवें हुंदा सी, अज वांग दरियावां दे वहण जिहड़े सन उन्हां नूं सीमित नहीं सी कीता गया, भाव दोही पासी बन्न नहीं सन बनाए गए। पुराने समयां विच दरिया कई किलोमीटरां दा पैंडा चौड़े रुख तय कर लैंदा सी, जिस नूं निवाण हुंदी जाए हड़ आ जाए दरिया उधर नूं वधदे जांदे अपना पहला राह छड के नवें राह दे दरिया दे पाणी पांधी बन के अगला सफर करदे सन। इसलिए दरियावां दा रकबा बहुत वड्डा सी। समय दे गेड़ दे नाल दरियावां दे इर्द गिर्द उच्चे मिट्टी दे पत्थरां दे बन बन दिते गए तां कि पाणी एक लिमिट विच रहे, हड़ां दे खतरे तों आले दुआले रहण वाले लोकां दा बचाव हो सके। पाणी नूं अपनी मर्जी नाल रुख अख्तियार करन दा हक नहीं है। मनुख ने होर जिथे बहुत कुछ बनाया उत्थे दरियावां नूं बन नूं बन के उसने एक लिमिट विच हद विच रहण वास्ते एक कायदा नियत कर दिता है।
पुराने समयां दे अंदर दरियावां दे वहण बदलदे ते पानी दा वहण किसे ऐसी थां तों गुजरदा जिथे कोई रुख खड़े हुंदे सन। बड़े पले हुए कई दहाकियां दे पुराने रुख हरे भरे जिन्हां दी जड़ भी बड़ी डूंगी है, जिन्हां दा तना भी बड़ा मोटा है, पर दरिया का पानी वगदा जांदा ते हौली हौली उन्हां दी जड़ दे नालों मिट्टी खोरदा जांदा। जदों उस रुख की उस दरख्त की जड़ बिल्कुल नंगी हो जाती तो बिटी जड़ां दे नालों खुर जाती, हवा का तेज झोंका जां कोई हनेरी आउंदी ते वह रुख जिहड़ा सी जमीन ते डिग पैंदा चौफाल, क्योंकि वह खड़ा सी अपनियां मजबूत जड़ां दे आसरे ते जड़ां नूं संभाली बैठी सी मिट्टी। पानी ज्यों ज्यों गुजरदा गया उस दीआं जड़ां दे नालों मिट्टी नूं खोरा लाउंदा गया, जड़ां नंगियां ते कमजोर हो गईआं, उहनां नूं कोई सहारा ना मिलिआ ते हवा दे वेग दे नाल जोर दा धक्का सहिंदिआं होइआं रुख जमीन ते डिग पिआ। जिस ने कई दहाके कढ लए सन वह कुछ दिनां दे विच ही जमीन दे उत्ते डिग पिआ, उस दी उमरा खत्म हो गई। बाबा शेख फरीद साहब कहिंदे हन ये जिहड़ा समा है ना, समा वक्त, इहनू समझो भी ये वगदा होया दरिया दा वहण है ते असीं उह रुख हाँ जिहड़े इस दरिया दे कंढे दे उत्ते खड़े। जिहड़ा वक्त गुजर रहा है समझो तुहाडियां जड़ां दे नालों मिट्टी खोर के लई जा रहा है, तुहानू वीक ते कमजोर करी जा रहा है। बाबा कबीर साहब जी ने एक बड़ा सुंदर वाक कहा सानू इस पल दा, इस पक्ष दा एहसास कराउण लई, जदों फरमाउंदे हन जननी जानत सुत वड्डा होत है। मां अपने बच्चे नूं तकदी है कि पुत्र धी बच्चे वड्डे हो रहे हैं तो उन्हें खुशी होंदी है भी पाल रहे हैं, क्योंकि वह मेहनत करती है उन्होंने पालन के उत्ते, परवरिश देन के उत्ते, तो उन्हें तसली होंदी है भी वड्डा हो रहा है। इस वास्ते आप हर साल अपना जन्मदिन भी मनाते हैं इस गल की खुशी करनी भी परमेशर ने सानू ये जीवन दान दिता, कोई माड़ी गल नहीं। पर दूजा पहलू नहीं भुलना चाहिए जिस बारे बाबा कबीर साहब जी प्रेरणा कर रहे, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। जदों असी कहिंदे हाँ मेरी उम्र 35 साल हो गई, दा मतलब है 35 ते लैस ने ना, वो ते गुजर गए ने, वह तो दोबारा नहीं आउणगे। रहिंदे वक्त दा सानू कुछ दावा नहीं, मालूम नहीं, जानकारी नहीं भी किन्ना वक्त साडे कोल है। मन लवो जे कुदरती तौर दे उत्ते 50 साल जीना है ते 35 गुजर गए, 15 बाकी बचे हन, साडा सफर किस पासे वल है? उसे नू बाबा कबीर साहब कहिंदे ने इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटदा है। भी दूजा पहलू भुल गया भी हर दिन जिहड़ा गुजर रहा है इहदा मतलब है भी वह उम्र नू खोरा ला रहा है, घट रहा है, वह लैस हो गया। इसे नू ही उन्होंने एक शब्द विच भी कहा है, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आव घटै तन छीजै। किन्ने खूबसूरत बोल हन। आपां समय नू वंडिया होया ना, अज साडे कोल घड़ी है, कलॉक है, सकिंटां दीआं इकाइयां नूं मिंटां दे विच, मिंटां नूं अगे गां, इस तरह इकाई वधदी जांदी है। पर पुराने समयां दे माप तोल होर सन, जिन्हां नूं तुसीं रोज 16 साहिब दी बाणी दे शब्द विच पढ़दे हो, घड़ियां दे विच विसोए चसे, घड़ियां पैर थित्तां महीने साल दहाके सदी। इस वास्ते समय की वंड है, भाव छोटी तो छोटी जिहड़ी समय की इकाई है वह भी जदों गुजरती है तो साडे जीवन नूं खोरा ला जांदी। वह कहिंदे ने दिन ते पैर, पैर ते घरियां, दिन है दिन अगे आपां 8 पैरां च वंडिया होया, 8 पैर दिन दे, 8 पैर रात दे, 16 पैर हो गए। पुराने समय दे विच पहर दे दी वड्डी गिणती सी, आपां आम ही शब्द वरते अठे पैर ही इस तरह कर रहे, इहदा भाव है रैगूलरी कॉन्टीन्यू ही इस तरह करी जा रहा। अज भी साडी बोलचाल दे विच ये शब्द हन, अठे पैर, 16 पैर, 4 पैर,
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੜੀਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਘਟੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਹੀਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਿਸਤ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਲ ਅਹੀਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉਂ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੈ ਧੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਰਿਆ ਖੋਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾ ਚ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਅਹਿਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਉੜਕ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ, ਕੋਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੱਪਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਰਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ, ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਾਲ, ਇਹ 97 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਲ ਤਲ ਆਪਾਂ ਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਵੰਡੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲ ਵੰਡੀ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਵੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਗਰ ਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਖੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਚੰਦ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਫਨ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਲਿਊ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ, ਤੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਦੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੌਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨੇ ਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਾਲ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮੱਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ, ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਐਸਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਹ ਪੜਿਓ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਟ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕੱਲ ਹੈ ਖਰਮਾ। ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀਵਤ? ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰਹਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਖੀ ਸ਼ੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਗ 'ਚ ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਗ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ
शेख दाने बजुर्ग चंगे रहनुमा अकलमंद सोझी वाले जागे हुए विवेकी पुरख नूं भगत नूं कहा जांदा। शेख एक खास लकब है जिहड़ा टोह देंदा है किसी करैक्टर दी, ये की है। बाबा फरीद साहब जी ने अपने आप नूं बाणी दे विच शेख ही लिखा, जो प्रचलित उन्हां दे नाम नाल जो लफज है तखल्लस है उसे नूं उन्होंने वरत आखी शेखा बंदगी। ये शेखा दुनिया नूं बंदगी दी गल दस, परमेश्वर दे राह दी सोझी दे, ते नाल समझा भी चलण अज के कल, अज कल दी खेड है, चलो चलाई दा मेला है संसार च, इसलिए उहदी याद विच जुड़ो, उहनूं भुल्लो ना, जिसने पैदा किया है जो पाल रहा ते जिसने ओड़क नूं जिंद कढ़णी। तो फरमाउंदे हन फरीदा मौतै दा बन्ना इवें दिसै ज्यों दरिया वै टाहा। मौत दा मौत दी खेड, मौत नूं उह बन्ना जाणो जिवें दरिया अपने कंढियां नूं खोरदा ना, मिट्टी खोरदा, उच्चे कंढे भी उह खोर लैंदा ते नीवियां थाणी तों लंघ ही जाणा हुंदा। तो मौत दे हड़ दे सामने ना उच्चा टिकदा ना नीवा टिकदा, ना जात टिकदी है ना मजहब टिकदा, ना अमीरी ना गरीबी ना पदवी, राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बिडानी रे। ज्यों दरिया बैठा अगै दोजक तपया सुनिया हूल पवै कहा। इस्लामी ख्याल है क्योंकि जेडे समाज के लोगों नाल गल कर रहे हैं उन्हां दियां ही उदाहरण एग्जाम्पल्स उन्हां नूं देणियां ने। फरमाया अगे सुनीदा लोग ख्याल करते हैं, व्याख्याकार मजहबी व्याख्याकार दसते हैं, इस करके उन्हें शब्द वरत्या अगे दोजक तपया सुनिए, सुनीदा कि अगे दोजक की अग बल रही है। तो ते हाहाकार ते चीक झाड़ा पिया होया जिन्हें मंदे कर्म किए हैं। पर सोचण वाली गल है भी मनुख नूं इस संसार च नरक दे किन्ने डर, पूरा ग्रंथ लिखिया नरक स्वर्ग दी खेड दे उत्ते, भारत विच तां पूरा ग्रंथ है, गरुड़ पुराण पढ़ो सारा कुछ यही है, उपा भी दसे ने नरक स्वर्ग दा डर लारे सारा कुछ दसिया। फिर किहड़ा बंदा अपने आप नूं रोक पाया भी अगे नरक है, फिर किहड़ा उहने अपने आप नूं सुधारन दा यतन कीता। प्रभाव जदों अंदर झूठ दा विकार दा वधदा है ते बंदा नरक दी भी परवाह नहीं करदा। बंदे नूं पता हुंदा है ना कानून दा सकंजा मेरे, फिर भी दुनिया वो कुछ करी जांदी है जो कानून दे बरखिलाफ होवे। पता ते हुंदा ही है कि दुनिया फांसी भी लगदी है, जेलां भी कटदी है, जुर्माने भी भरदी है, फिर भी बंदा दिल वधी करदा है, क्योंकि पर अंदर जोर जदों वध जांदा है तुहाडियां इच्छावां दा, तुहाडे माड़े ख्यालां दा, तुसीं अपने आप नूं रोक नहीं पाउंदे भावें सामने तलवार लटकरी होवे। सब तो पहला कानून है मनुख अपने नफ्स नूं कंट्रोल विच करे। पहला कर्म है मनुख अपने आप नूं संजम विच बन ले। साहिब सतगुरु गुरु नानक साहब ने ताही बाणी दे विच कहा सी, भिस्त दोजक मूढ़े एव जाणी। तू ते नरकां स्वर्गां दीआं गल्लां ही करदा, असल नरक ते स्वर्ग दी सोझी तैनूं तद होएगी जिस दिन तू अमलां दी धरती ते शब्द दा बीज बीज के अपने अंदर सच्चाई दे गुणां दे फल पैदा करेगा। तू इत्थे बख्शिश करदे ने, कहिंदे ने अगै दोजक तपिया सुनिए हूल पवै का हाहा, इकना नूं सब सोझी आई इक फिरदे वे परवाह। कुछ ऐसे ने जिहड़े सोझीवान ने, उन्हां नूं समझ है जीवन मार्ग दी सोझी है, ते इक लापरवाह हो के भटक के फिरते हैं जिवें पता ही कख नहीं, कहानियां वह भी सुनते हैं नरकां दियां, उन्हां लई भी नरकां दियां कहानियां जिहड़ियां ने वह हुंदियां ने, उन्होंने भी सुनिया ही होंगे, पर उन्होंने कोई कंसर्न नहीं, कोई जीवन के प्रति अवेयरनैस ही नहीं, अंदरों जागे हुए नहीं, सुत्या वाग सुनते हैं, सुत्या वाग ही अपने फिर उस काम में लग जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पिया। पर उत्तम किहड़े हन, इकना नो सब सो, जिन्हां नूं सोझी है, जिहड़े जाग पए अंदर। फिर अगे फरमाउंदे हन अमल जे कीतिया दुनी विच से दरगाह उगाह। किड्डा बा कमाल वाक्य है, इस्लामी सभ्यता वैसे मानदी है भी जिन्हां ने इस्लाम नूं मन लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना पैगंबर तस्लीम कीता है,
क्योंकि जो कलमा है जिन्हों कलमा है शहादत कलमा है तईबा कहा जाता है जो इस्लाम में प्रवेश करता है बंदा तो उन्हों कलमा पढ़ाया जाता है तो उस कलमे दे विच यही हुंदा है भी मैं एक अल्लाह तो सिवा किसी होर नू नहीं मानता अल्लाह दे आखरी नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मानता और किसी नू पैगंबर नहीं मानता तो जो इस्लामी मानता वा उहदे उत्ते यकीन करदा ला इलाही लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह फिर उन्हों मनिया जाता है भी तू हुण तस्लीम असैप्ट किया है तो तू मुसलमान होया तो जिहड़ा मुसलमान हो गया उन्हों कबर च पाया जाना जरूरी है जदों उहदे प्राण निकल जाण क्योंकि कयामत का समा आएगा परलो जिन्हों आपां कहिंदे अपनी बोली च मुरदे कबरां च उठाए जाणगे हिसाब किताब होएगा जिहड़ा जिहड़ा मोमन होएगा उहदी गवाही मुहम्मद साहब भरनगे तो दोजक तो बच जाएगा बहिश्त विच जाएगा दूजे सब दोजक जाणगे जितने काफर होणगे सब दोजक की आग सड़नगे। बाबा फरीद साहब ने कमाल कर दिती कहण लगे तेरी गवाही कौन भरेगा तेरा अमल इहदा भाव अमल ही पैगंबर होया कहण लगे तेरा अमल ही अमल जे कीतिया दुनी विच से दरगा होगा तेरा अमल ही तेरी गवाही है अमल तो वड्डी दुनिया च कोई गवाही नहीं। जिन्हों ने मनसूर नू सूली चाड़े उन्हें बड़े ब्लेम किते बहुत इल्जाम लाए पर कि उन्हां दे इल्जामां दे मुताबिक मनसूर गलत साबित होया सुकरात गलत साबित होया दुनिया ने भूतना बेताला ते कुराइया आख्या सतगुरु गुरु नानक साहब नू कि दुनिया दे बलेम सही साबित होए नहीं गुरु नानक दा अमल उन्हां दा गवाह है उन्हां नू संसार दी गवाही दी लोड़ ही नहीं सानू पैंदी है सानू गवाह खड़े कर क्योंकि असी सारे मियां मिठू एक दूजे की सारे गवाही भर के एक दूजे नू सुरखरू कर लई दुनिया है ना पर धर्मी पुरख नूं संसार की किसी गवाही की जरूरत नहीं पैंदी भावें सूली चढ़ना पै जाओ कहिंदा मेरा कर्म मेरा गवाह है और रहिंदी दुनिया तक मेरा कर्म जिहड़ा है वह मैनूं सुरखरू रखेगा मेरा अमल जिसनूं सतगुरु ने करनी कहा बाणी दे विच तो अगले श्लोक विच फरमाउंदे हन कि जिन्हां ने अमल दुनिया दे विच कीता है उही अमल उन्हां दा दरगाह दे विच भाव रब्बी दरबार दे विच उन्हां नूं सुरखरू करदा है उन्हां नूं संसार दी किसी होर गवाही दी जरूरत नहीं हुंदी। एक छोटा जिहा वाक कह के समाप्ति करांगा शरमद फकीर नूं औरंगजेब ने गिरफ्तार करवाया दरअसल दारा शिको दा महती सी ते औरंगजेब दीआं कट्टड़ ते भैड़ियां कारवाइयां दी निंदा करदा सी फकीर जो सी वह अपना पिंडा नहीं सी कज दा चादरा बन के रखदा सी उहने जामा मस्जिद दिल्ली दीआं पौड़ियां च बह जाणा ते धार्मिक तकरीर करनी काजी भी औखे सन जिहड़ा स्ट्रक्चर बणिया हुंदा ना मजहबी संस्थावां दा उहदे अगेंस्ट कोई भुगत जाए ते उहनूं काफर कहा जांदा इह सारे मजहबां च इस तरह गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो है कुराने पाक दे विच जो है वो ठीक है उन्हों हर कोई सिजदा करेगा मथा टेकेगा पढ़ेगा पढ़ाएगा पर जे कोई ये कह दे भी तुसी ते इत्थे आ कर दो इहदे च तां लिखिआ तो उदों ही रौला पै जाएगा ये हर जगह दे उत्ते उन्हें उत्थे ये कहना भी काजी ते ये दसदा है पाक कुरान है कहिंदा है ये शरां नूं हाईलाइट करता है तो पाक कुरान के उपदेश नूं थले दूजे नंबर पर रखता है तो गलत है तो जिहदे हक च काजी साहब भुगतदे ने जिहदे खुतबे पढ़े ने वह तो इहोजा बंदा है उन्हूं जिले लाही तुसीं क्यों कहिंदे हो खुदा दा धरती ते परछावां उन्हूं जहां पनाह सारे जहां नूं पनाह देण वाला एडे वड्डे तखल्लस उहदे मोढ़ियां ते लद दिंदे हो उहदा कर्म ते काला है सो उहनूं उहनां समयां दे विच जिहड़ा न्याय दा अदालतां दा प्रबंध सी उह काजियां दे हत्थ विच हुंदा सी तो उहनूं गिरफ्तार करवाया रेड कीती बंदा चुक लिया हुण झूठा सच्चा उहदे ते केस भी चलाउणा सी क्योंकि उहदे फॉलोअर भी सन दिल्ली च ते काजियां ने उहदे ते कुछ इल्जाम लाए भी एक तां इह कहिंदे भी हज़रत मुहम्मद साहब सतवें आसमान ते नहीं गए आम तौर ते हर दुनिया दे मजहबां दे विच साखियां दा इही रौला हुंदा भी मैं इवें सुणी इह इवें क्यों कहिंदा उन्हों अगली गल का कोई पता नहीं होंदा भी व्याख्याकार अपनी मर्जी नाल व्याख्या नूं लचक दे लेगा तुसीं कोई भी इतिहासक ग्रंथ चुक लो एक ने उस गल होर बयान किया गल उहदे पिछे जिहड़ी हुंदी है गुरु नानक की वडियाई की हुंदी है व्याख्या की नहीं हुंदी
रौड़ा सारा व्याख्या दे। कहिंदे जी हजरत मुहम्मद साहब सतवें आसमान ते नहीं गए। दूजा ये फितना फैलाउंदा, फितना बुराई नूं कहिंदे ने, इन्हें अपना पिंडा नहीं कजिया, यह नंगा रहिंदा है, गलत है, शरा मुताबक गलत है। उन्हूं काजी ने, शाही काजी ने कहा तू कुछ कहना है? कहण लग्या वैसे कहण दा मन ते कोई नहीं, जिन्हां लोकां ने मेरे ते इल्जाम लाया है वह लोग ही मेरे वकील ने, तो उही मेरे जज ने, मेरे बरी होण दी आस ते है नहीं। तो फिर भी जे तुसी मैनू थोड़ा समा दिता तो मैं गल कह लैना कि हज़रत मुहम्मद साहब नूं किते जाण दी लोड़ ही की सी, तां खुद ही मुकम्मल ते पूरे सूरे सन। उन्हां नूं किते घल के काण ते तुसी उन्हां दे जीवन च विखाउंदे हो, मैं थोड़ा विखाउंदा। ते रही गल मेरा पिंडा कजण दी, मेरे पिंडे दी चिंता छड्डो, अपनी जमीरां कजण दी कोशिश करो। फितना मनुख दा अमल फैलाउंदा है। खैर जो भी गल्लां होईयां, पर बलेम करन वालियां उहदे ते धार्मिक बलेम लाए सन ते उसनू अखीर कतल कर दिता गया, मजहबी कतल है, राजनीतिक कतल पर मजहब की रंगत दे के किया गया कतल। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने तीन सिखां नाल भी इवें ही कुछ बीतिया। तो इल्जाम लाउण वालियां ने जो इल्जाम लाए ने, वह इल्जाम उन्होंने झूठिया साबित नहीं करते, उन्हां दा कर्म उन्होंने सच्चिया साबित करता है, क्योंकि अमल तो वड्डी गवाही किसी भी संसार विच नहीं हुंदी। हाँ, कीमत जरूर अदा करनी पै सकती है। सतगुरु मेहर करन, अगले श्लोकों की विचार अगले दीवाना विच करन दा यतन करांगे। सतगुरु होईआं भुल्लां चुक्कां की खिमा बख्शण। आप सभनां दा धन्नवाद। अदब साहिब गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।